ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। सबको में ब्रह्मा बाबा भी आ जाते हैं, तो याद की मेहनत सबको करनी, याद तो आपको करना पड़ेगा। बाबा याद करने का बताता है, युक्ति बता देगा, लेकिन याद तो हमें करना होगा ना। तो तुम अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। देह भान में तो सारी दुनिया याद करती है, भगवान है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, हर तरह से। आत्मा समझ कर परमात्मा को याद करना है, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कब? एक तो याद करेंगे, वो भी याद कैसा? आत्मिक स्वरूप में याद करना। तो आत्मिक स्वरूप में जैसे 10 मिनट याद किए, वैसे ही 10 मिनट अगर देह भान में आ गए तो फिर कट गया, फिर कट गया। तो यही हिसाब किताब 24 घंटे हमारा चल रहा है कि कब कब हम देह भान में करते हैं और कब हम आत्मिक स्थिति में। जब बैठते हैं तो बाबा को याद तो कर लेते हैं आत्मिक स्थिति में पहचान कर, लेकिन फिर कोई ऐसा परिस्थिति, कोई ऐसा बात कर, ऐसे लोग आ जाते हैं, हम देह भान में बात करने लग जाते, वहाँ पर आत्मिक स्थिति का माइनस होने लगता है। इसीलिए बाबा कहता है अटेंशन देना है। अगर तुम मुझ बाप को आत्मा समझ कर याद करते हो तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न आज का, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? सर्व का सदगति का स्थान कौन सा है? आबू है। उत्तर आज बाबा दे रहा, आबू की भूमि, यहीं से सबकी सदगति होगी, पूरे विश्व का कल्याण होगा, सबकी सदगति का स्थान है। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया को सदगति यहाँ से ही होती है। सभी का सदगति दाता बाप आदम यानी कि ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिवाबा ही करते हैं सदगति, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा। तो यहाँ आबू में ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है। आदम, आदम अर्थात आदमी को कहते हैं, मुसलमानों में आदम बीबी बोलते हैं, तो आदम मतलब आदमी, और वह देवता नहीं है, वह आदम है, आदमी है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते, वो भगवान नहीं है। ओम शांति, डबल ओम शांति। क्यों डबल ओम शांति? एक शिव बाबा ओम शांति बोल रहे हैं, एक ब्रह्मा बाबा ओम शांति बोल रहे हैं, और हम दोनों को बोलेंगे ओम शांति। तो एक है बाप, दूसरा है दादा की, दोनों की आत्मा है ना, तो दोनों ही बोल देती है। वह है परम आत्मा, ये आत्मा है, तो यह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे ही कहते हैं, परम धाम के शिव बाबा भी हैं तो परम धाम के ब्रह्मा बाबा भी हैं। तो बाप भी कहते हैं ओम शांति, वह भी कहते हैं ओम शांति, दोनों ही कहते हैं ओम शांति। तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम के रहवासी हैं। तो यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, एक दूसरे से अंग सटना भी नहीं चाहिए। तो अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है, वाइब्रेशन एक दूसरे को मिल जाता है। इसीलिए बाबा कहता ना, बैठना है तो थोड़ा सा दूरी दूरी में बैठना, ताकि उसका वाइब्रेशन मेरे शरीर में को टच ना करे। तो कोई बहुत अच्छा याद करती, कोई बिल्कुल याद नहीं करती। तो बिल्कुल याद नहीं करते वह तो पाप आत्मा हो गई ना, जो बिल्कुल याद नहीं करती, तमो प्रधान, और जो याद करते वो हो गए पुण्य आत्मा। सतो प्रधान, बहुत फर्क हो गया ना। अब पाप आत्मा और पुण्य आत्मा अगर सट कर बैठेगी तो हो सकता है पुण्य आत्मा का भी पुण्य उसमें चला जाए, वो सुधर जाए, और पाप आत्मा का पुण्य पाप इधर ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए अंग से अंग मिलाकर नहीं बैठना है, सट कर नहीं बैठना है। तो घर में भल इकट्ठा रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसीलिए ही तो भगवान भागवत में आसुरी नाम गाए गए हैं। इस समय की बात है, इस समय असुर और देवता साथ साथ चल रहे हैं। असुर और देवता मतलब जो याद नहीं करते वो पापात्मा, और जो याद करते वो देवात्मा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, यह ईश्वरीय चरित्र है जो भक्ति मार्ग में गायन होता है, गाते हैं। सत्युग में कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी शिक्षा सब कुछ दे रहे हैं,
सारा शिक्षा बाबा भी दे रहे हैं। सत्युग में तो बहुत बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते, हल्का हल्का याद आता है तो मिक्सअप हो जाता है और वही शास्त्र बन जाता है। और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, मतलब जो अभी हम लोग सीखे हैं वही उस समय सिखलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद तो रहा नहीं, कुछ ना कुछ गुम हो गया, इसलिए सिखला नहीं सकते। परंतु राजयोग तो सिखा न सकी, वह तो बाप है जो सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। ये राजयोग एक बाप के अलावा कोई भी नहीं सिखला सकता है। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखाते हैं? फिर 5000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। अब देखिए कोई भी अपने बराबर वालों को बोलने में अच्छा लगेगा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे बोलने में नहीं अच्छा लगेगा किसी को भी नहीं। तो ये शिव बाबा बोलता है ब्रह्मा तन द्वारा, तो ब्रह्मा के उम्र के भी बच्चों को क्या बाबा बोलता था? रूहानी बच्चे, मीठे मीठे। तो ऐसे कभी कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, ना देवताएं ही कहेंगे, देवताएं अपने बच्चों को कहेंगे, सबको थोड़ी बोलेंगे। देवताओं को कह सकते हैं, देवताओं को कह सकते हैं, ना देवताएं देवताओं को कह सकती हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार ही पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर पाठ बजाएंगे। ये सारी बातें जो हैं वो एक शिव बाबा ही कहता है, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। अब सीढ़ी उतरने का मतलब कि जैसे पहले जन्म में आए तो चलो बच्चे बच्चे कह लिए, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण जो बने वो सब उनके बच्चे हो गए, प्रजा हो या उनका दास दासी हो या फिर उनके बच्चे हो, सब सबको वो बच्चे बच्चे कहेंगे। उसके बाद सीढ़ी उतरे यानी कि दूसरे जन्म में आए, तो दूसरे जन्म में जो उनसे छोटे थे वो सब बड़े हो गए और वो उनके बच्चे बन गए। अब वो बच्चे बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण जो दूसरे जन्म में बच्चे बने वो बच्चे बच्चे बोलेंगे, फिर तो नहीं बोलेंगे, सीढ़ी उतर गए ना एक जन्म, लेकिन शिव बाबा कभी सीढ़ी उतरेगा नहीं उतरेगा। तो तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का सारा राज समझ में आ रहा, आदि मध्य अंत तो जानते हो वह शांति धाम और अथवा परम धाम है। वो तो हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं, नंबरवार रहते हैं हम लोग वहां पर निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता कि मतलब स्टार कोई चीज में रखा हुआ है या तो कि मतलब कोई किसी सहारे से जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह हम आत्माएं भी परम धाम में रहती हैं, बिना किसी सहारे के अपने अपने स्थान में जाकर बैठ जाएंगी, उससे ऊपर ना नीचे एक जरा सा अंतर नहीं आएगा कि हाँ वो आत्मा वहाँ जाके बैठ गई। स्कूल में होता है ना कि कभी आगे बैठ जाते हैं कभी पीछे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, जहाँ जो जिस स्थान से आई है वही स्थान में जाकर बैठेंगी। तो ऊपर में कोई चीज नहीं है जिसके सहारे वो बैठी हुई है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र, यहाँ कर्म करते हैं इसलिए शरीर है, यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है जब तुम मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब तुम 21 जन्म वर्षा पा लेते हो तब हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, मतलब फल यहीं पर लगा लेते हैं, सारा फल यहाँ लगा लेते हैं। उसके बाद जब सतयुग में जाते हैं तो फल खाते हैं, हम अपना फल खा रहे हैं, तो यही अकर्म हुआ कि हम अपना फल खा रहे। किसी को तो इसमें आसक्ति ये तो नहीं होगा ना कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसका ले रहे हैं, हाँ कोई किसी को देने का या लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अपना अपना फल तैयार करके जा रहे हैं। और जो जितना फल तैयार करके जा रहे हैं वो इस जन्म में उनको रियलाइज है कि हम क्या फल तैयार, इसलिए वहाँ पर दूसरे की चीज़ों को देख कर भी आसक्ति पैदा नहीं होगा कि हाँ उसका ज़्यादा है उसका कम है, यहाँ होता है ना कि हाँ उसका ज़्यादा उसका, वहाँ नहीं होगा ये सब, क्योंकि वहाँ रावण राज ही नहीं होता। यहाँ सत्व प्रधान स्थिति बनाकर हम लोग जाते हैं, एकदम मन की स्थिति सत्व प्रधान, किसी को देखकर कोई आसक्ति नहीं। तो वह ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन करे, वो वहाँ ईश्वर नहीं होता है लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाया गया राज्य, इसलिए वो ईश्वरीय राज्य है। तो बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो, अभी बहुत याद करना है बाबा को, तो स्वर्ग का मालिक बन जाओगे। बाबा क्लियर कर रहा, बहुत याद करना है, एकदम डिटैच हो जाएं, परिवार वाले ठीक हैं नहीं ठीक हैं सब बाबा के बच्चे हैं,
बाबा जान रहा है कि सबका हिसाब चुक तू करना है ना, ऐसा थोड़ी है कि केवल हमारा कर दिए और हमारे जरिए मेरे बेटी का कर दो, मेरे दामाद का कर दो, मेरी बहू का, मेरा बेटा का, भक्ति मार्ग में करते हैं ना। एक सांस चली गई भजन कीर्तन करने और लास्ट में जब अटेंडेंस बनाना रहता है ना तो सबका अटेंडेंस बनवाती है। यहाँ पर सिर्फ चर्चा में देखे हैं तो, लेकिन यहाँ वैसा है, यहाँ तो एक छोटा सा बच्चा भी तो उसको भी आकर अपना अटेंडेंस बनाना होगा। तो बाबा कहता है शिव बाबा को याद करो, मालिक बनो, स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया था तो शिव बाबा की को और सुख धाम को दोनों को याद करो, दोनों को याद करना, सुख और शांति धाम दोनों को, शिव बाबा को भी याद करना है तो पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आ जाएगा। बच्चे भूल जाते हैं इसीलिए घड़ी घड़ी बाबा को याद कराना पड़ता है, रोज रोज बाबा क्यों बोलता है। अब देखिए पक्का होता जा रहा, रोज सुन रहे हैं तो पक्का हो जाता ना, रोज रोज एक ही बात सुनेंगे तो। रोज आप रोटी बनाना सीखेंगे तो रोटी बनाना आया कि नहीं आया ना, कोई भी काम अगर रोज आप करेंगे आदत बन जाएगा, उठते के साथ अपने आप कर्मेंद्रियां काम करने लगेंगी। तो ही मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा बार बार कहता है मीठे मीठे बच्चों बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना हम याद करेंगे उतना पाप भस्म होते, पाप बहुत चढ़ा हुआ है इसीलिए दुख की फीलिंग आ रही है। अगर पाप उतर जाए तो कोई आत्मा आपको गाली भी दे देगी ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाप का बोझ है जो हमें फीलिंग दे रहा है कि वो गलत बोल दिया, वो ऐसा मेरे साथ कर दी, ये पाप का बोझ है। तो पाप का बोझ उतारने के लिए बाप को याद करना है। तो प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करोगे तो पापों से मुक्त कर दूंगा। बाबा क्लियर कर रहा ना कि अगर तुम याद करोगे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। तो बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी, वो कुछ भी कर सकता है। आप याद तो करो केवल सत्व प्रधान लेकिन आत्मिक स्थिति में याद करो। तो उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है कि कौन सी आत्मा क्या पाठ बजा रही, कैसे किसका रास्ता खोलना है, कौन सा विघ्न आया हुआ है, कैसे उसका समाधान करना, ये सब कुछ बाबा पर निर्भर है। बाबा सब कुछ जानता है कब क्या कैसे करना, हम बच्चे उलझ जाते हैं। तो वेदों शास्त्रों आदि को सबको जानते हैं बाबा क्या लिखा हुआ, तब तो कहते हैं इसमें कोई सार नहीं। बाबा सारे शास्त्रों को जानते हैं कि किसमें क्या लिखा हुआ, बाबा बोलते इसमें कोई सार नहीं। अभी देखिए आत्मिक स्थिति में जैसे जैसे हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, अब भक्ति मार्ग में कोई ऐसे चढ़ाया, कोई ऐसी पूजा किया तो मन में आता नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं है। तो उसी तरह बाबा तो अथॉरिटी है तो वो सब कुछ जान रहा है। तो गीता में कोई सार नहीं है, भल व सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गाय हुई है कि सभी शास्त्रों का वो हेड है, माई बाप है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा हेड बना और बाकी सब बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते, आदम माना आदमी, एक साधारण व्यक्ति। तो उसी तरह गीता भी सबका माई बाप है तो गीता भी एक साधारण शास्त्र है, उसमें सब एक्यूरेट नहीं है। मनुष्य है ना ब्रह्मा बाबा, कितना भी पुरुषार्थ किया लेकिन उसका नाम पड़ा आदम तो वो भी एक साधारण रूप हो गया, तो उन्हें देवता नहीं कहेंगे, एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते, एडम अर्थात आदमी मनुष्य है, वो साधारण है, ना देवता है और ना ही वो भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डीटीज में है, पैराडाइज में। देवी देवताओं का राज्य कहाँ होगा, स्वर्ग में होगा, यहाँ नहीं है देवी देवताओं का राज्य। यहाँ तो आपको झुक झुक के मर मर के कर कर के जीना होगा, आपको बार बार झुकना होगा। तो नई दुनिया में ये सब होगा, वह वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का जो वंडर है ना वो, यहाँ तो बोलते सेवन वंडर्स है, सात वंडर्स हैं, लेकिन बाबा बोलता है कि यहाँ कोई वंडर्स नहीं है, मेन वंडर्स तो स्वर्ग है, स्वर्ग है वंडर। तो बाकी तो सब माया का वंडर है, द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं, ईश्वरीय वंडर है हैवेन स्वर्ग। तो स्वर्ग है जो बाप ने स्थापन किया, अभी स्थापन हो रहा है। यह जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका वैल्यूज का किसी को भी पता नहीं, दिलवाड़ा मंदिर में एक एक चीज को दिखाया गया है, कैसे मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ,
कैसे हम पुरुषार्थ किए, तपस्या किए, कैसे हम हर पद पोजीशन को प्राप्त किए, कैसे फिर सतयुग आया, वो उसमें सारा मतलब बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है, कौन? आबू तीरथ सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ जाते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है बाबा के घर में। तुम लिखती हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय तो नाम बहुतों का पढ़ा लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है, कोई भी एक ही पढ़ाई नहीं है, तो ये आबू पर्वत है। तो ब्रैकेट में यह लिख देना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व का सदगति यहाँ से होता है, पूरे विश्व की आत्माओं की सदगति यहाँ से होती है माउंट आबू से। तो यहाँ यह तो कोई जानता नहीं, जैसे सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है वैसे सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तीर्थ आबू है, सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे अटेंशन जाएगा, सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करती है। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं आज के डेट में, आज तो बहुत सारा तीर्थ हो गया है। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते, अब वहाँ से क्या सदगति होगा? जो गांधी जी को सामने से कोई गोली मार दिया हाँ, और बताइए वो उसका तीर्थ कैसे हो सकता, जो खुद को नहीं बचा सका, जो देश को नहीं बचा सका, देश को भी तो बंटवारा उसके समय में ही हो गया था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान हाँ, तो इसलिए वो तीर्थ समझते हैं, लेकिन है नहीं। सब जाकर वहाँ फूल आदि चढ़ाती हैं, उनको कुछ भी पता नहीं, मनुष्यों को कुछ भी नहीं पता, मतलब जो जैसे बोल दिया अंधश्रद्धा में बहते चले जा रहे हैं। तुम बच्चे अब सब कुछ जानते हो, अब करेंगे नहीं, तो तुमको यहाँ बैठकर दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये अंदर में खुशी होनी चाहिए, हम हैविन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा, बाबा बार बार क्लियर कर रहा, अब बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा, आत्मा समझकर मुझे याद करो। देह भान में याद किया तो भक्ति मार्ग हो गया, अल्पकाल का चलो दे देंगे थोड़ा सा शांति, लेकिन जो मेन शांति मिलने का है, सुख मिले, वो नहीं मिल पाएगा। तो पढ़ाई तो बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है, अगर आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना तो प्रकृति और माया तो आपकी दासी बनकर सेवा करेगी, खुद ला कर देगी, आत्मिक स्थिति चाहिए। अब लोग बार बार सोचते ना आत्मिक स्थिति क्या होता है, आत्मिक स्थिति कैसे लाएं, लेकिन सब चीज़ों से डिटैच, किसी चीज में आसक्ति नहीं, कोई भी कुछ भी कर रहा उसका प्रभाव से मुक्त, मैं आत्मा हूँ, मैं स्टार हूँ, शरीर में आई हूँ, कभी भी निकल सकती हूँ, एकदम डिटैच हर चीज से। तो तुम्हारा मम्मा को, तुम्हारी मम्मा को एक पाई भी खर्चा हुआ, वो कुछ लेकर आई, लेकिन इतना आत्मिक स्थिति उनकी थी, एकाग्रता था, इतना ज्ञान का दान की, सबकी सेवा की कि लक्ष्मी महारानी बन गई। तो बिगर कौड़ी खर्चा पढ़ लिख कर क्या बन गई, कितनी होशियार, नंबर वन बन गई ना, राजयोगिनी बन गई, राजयोगिनी अपने ऊपर राज करके योग युक्त हो गई और सबको राजयुक्त करवाने लगी। मम्मा जैसी तो कोई भी नहीं निकल सकती, अभी क्लियर हो रहा है, बहुत ऐसी परिस्थितियां आ रही है जो बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहनों का भी कमी कमजोरियां सामने आ रहा है। तो ये भी नहीं सोचना है कि कोई मतलब बहुत पहले से है तो बहुत अच्छा है, या कोई बाद में आया तो बहुत खराब है, ये भी नहीं, कोई भी आगे या पीछे हो सकता है। देखो आत्माओं को ही बाप बैठ समझाएंगे ना, शरीरधारियों को नहीं, तो आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने राज्य गंवाया, इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है, कितना काम करती है, मतलब राज्य भी करती है, फिर राज्य गंवाती है, फिर दुख भी भोगती है, सुख भी भोगती है, कितना कुछ करती है, बुरे से बुरा काम, विकार में जाना है सबसे बड़ा, कल भी बाबा बोला ना सबसे बड़ा काम विकार है, काम विकार, कल भी बोला बाबा बेहद की पवित्रता, बेहद की पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, या केवल लहसुन प्याज नॉनवेज छोड़ देना, ये बेहद की पवित्रता नहीं है, आपका 24 घंटे आत्मिक स्थिति ही बेहद की पवित्रता है। आप चिंता कर रहे हैं ये भी विकार है,
ये भी विकार है। आप उदास हो रहे, देहभान में ही ना उदास होंगे, आत्मिक स्थिति में तो उदास होंगे नहीं, ये सब विकार है। तो ये सब चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ विकारों में गिर रहे हैं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती, छोटी सी आत्मा में बहुत ताकत है, बहुत ताकत, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन आत्मिक स्थिति में कर सकती है, देहभान की स्थिति में नहीं। तो सारे विश्व पर भी राज्य करती आत्मा, इतना ताकत है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है, हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत तो होती है ना, हर धर्म में जो जैसा बनकर गया है वैसा ताकत वो लेकर आता है। क्रिश्चियन धर्म में देखो कितना ताकत है, आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं, सत्ययुग में कोई भी बुरा कर्म नहीं होता है। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य शुरू होता है, जब द्वापर युग शुरू होगा तब रावण राज्य शुरू होता है, सत्ययुग त्रेता में नहीं। लेकिन लोग क्या दिखाएं कि सत्ययुग में भी राक्षस थे और द्वापर में भी रावण था, त्रेता में रावण था। मनुष्य तो कह देते विकार तो सदैव ही है, वो तो यही ना, देखिए कोई भी सुनेगा ये सब बात वो तो यही समझेगा कि वहां भी राक्षस था वहां भी रावण था, तो यहाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे, यहाँ भी है। तो तुम समझा सकते हो वहां रावण राज्य नहीं होता है, विकार हो कैसे सकता है, वहां है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, भारत का राजयोग मशहूर है, जिसके लिए साधु संन्यासियों के भी मान हो जाता है, उनको भी मान दिया जाता है कि राजयोग ये सिखलाते, जबकि वो भी राजयोग सिखलाते तो घर बार क्यों छोड़ते, क्यों हठ योग अपनाते। तो बहुत सीखना चाहते हैं परंतु जब तुम सिखलाओ तब वो सीखेंगे राजयोग, हठ योगियों से नहीं सीखेंगे। तो और तो कोई सिखला ना सके, जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती कि वह हठ योगी राजयोगी कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार तो वह कह दे कि सचमुच में भारत का प्राचीन योग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकता, बस प्रत्यक्षता हो जाएगी। उस समय साकार ब्रह्मा बाबा था, चिन्मयानंद का बहुत मान था, तो बाबा बोलते थे अगर वो बोल दे ना तो सब विश्वास कर लेते, इतना मतलब पावर था चिन्मयानंद में। लेकिन परंतु ऐसा कायदा ही नहीं कि उसके बोलने पर प्रत्यक्षता होगी, ये कायदा नहीं है। जो अभी यह आवाज हो, ये आवाज अभी नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के त्याग तपस्या की आवाज होने वाली थी, ना कि उस हठ योगी से होता। तो सब थोड़ी समझेंगे, बड़ी मेहनत करनी है, महिमा भी होगी लेकिन पिछाड़ी में होगी, अभी अचानक नहीं। आपका त्याग तपस्या सेवा सब एक्यूरेट होगा तो महिमा तो जरूर निकलेगा। कहते भी हैं अहो प्रभु अहो शिव बाबा, आपकी लीला अपरम अपार है, बोलते हैं ना, कोई पार नहीं पा सकता है। तो अभी तुम समझते हो कि तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई नहीं समझते। बाप को कोई समझ रहा भी कि वो सुप्रीम है टीचर, सुप्रीम बाप है या सुप्रीम गुरु है, कोई नहीं समझ रहा, बस भगवान है। लोग बोल देते हैं ना कृष्ण सबसे बड़ा है, शिव तो उनके सामने छोटे। जब कृष्ण जन्म लिए तो उसमें दिखाते हैं ना कि शंकर जी शिव शंकर तो एक ही कर देते हैं, तो शंकर जी रूप बदल कर गए और उनसे मिलने के लिए, यानी कि वो कृष्ण बड़े हैं उनको दर्शन करने के लिए वो तरस रहे थे। तो इसीलिए आज लोग भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना कि शिव शंकर एक है और वो कृष्ण से छोटे हैं। शंकर तपस्वी मूर्त और कृष्ण है प्रारब्ध पाने वाला, सबसे नंबर वन कृष्ण। तो शंकर से तो वो बड़े हैं, शंकर से वो कृष्ण बड़े हैं, लेकिन शिव अलग है, ये बात स्वीकार करे तब तो सारी बातें समझ में आए। यहाँ तो शिव शंकर को एक कर दिया गया है। तो बाबा कहता है ये फर्क कोई नहीं समझता कि शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। शिव है सुप्रीम परम आत्मा है जो जन्म मरण में नहीं आती है। तो यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बेसमझ क्यों, चलते चलते क्यों बेसमझ, क्योंकि उनको सवाल का जवाब में उलझ जाते हैं, सही जवाब, क्योंकि खुद का ही आत्मिक स्थिति नहीं है तो उलझ जाएंगे ही। तो बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, अंदर में युद्ध चलने लग जाता है,
क्या सही क्या गलत है। लोग जब बहुत श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं ना संस्कृत में, तो लोग सोचते हैं कि क्या समझाएं कैसे समझाएं, तो इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग तो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ पांच विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कितना अंतर है ना, वो विनाश की तैयारी, हम लोग नहीं कर रहे विनाश की तैयारी। विनाश होगा ये जरूर बोलती है, लेकिन ये नहीं बोलती कि हम लोग विनाश की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो अपने अंदर के विकारों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुम विजय के लिए तैयारी कर रहे हो और बोलो विनाश की तैयारी कर रहे हैं, तो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना, एक तरफ तैयारी सत्यु की स्थापना, एक तरफ कलयुग का विनाश, दोनों साथ साथ चल रहा है। बड़ा वंडरफुल ड्रामा लगता है ना। तो अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है, राजाएं प्रजा भी सब बनने वाले हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा पा लेते हो, आधा कल्प के लिए वर्षा पाते, बाकी मोक्ष तो किसी को कोई भी को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता मोक्ष, मतलब सदा के लिए एकदम खत्म हो जाने वाली स्थिति, ऐसा नहीं होता है कभी। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़े ही मालूम है कि वो कहाँ गया, बोलते मोक्ष को प्राप्त किया, तो उनको थोड़ी, जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं ना बाबा कि जैसे हम लोग द्वापर में जाएंगे तो हम लोग जो पुरुषार्थ किए हैं तो देवी देवता का ही रूप में साक्षात्कार होगा, हम लोगों को अपने रूप का साक्षात्कार होगा। उसी तरह जो द्वापर से आएगी आत्माएं उनका भी अपने रूप का साक्षात्कार होगा, जो धर्म स्थापक होंगे उनको अपने रूप का साक्षात्कार होगा, लोगों को होगा, तो लोग बोलेंगे ये स्वर्ग में चले गए, जबकि उनका अच्छे घरों में जन्म ले होता है। तो उनको तो मालूम ही नहीं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, क्या हुआ उनका, तो सब गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर दूसरा शरीर ही लेंगे, मोक्ष नहीं पा सकते हैं, मोक्ष नहीं पाते हैं। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है, बाप कहते ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार के हैं। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो, गरम गरम हलवा मतलब शिव बाबा आया ब्रह्मतन में और तुरंत मुरली सुनाया, तो जो मधुबन में वो सुनते थे और उसके बाद बाकी के पास मुरली छपकर जाने में टाइम लग जाता था, तो इसलिए बाबा कहता तुम तो गरम गरम हलवा खाते हो। आज ऑनलाइन का सुविधा हो गया, आज तो आया मुरली एक दिन पहले भी आ जाता है कि कल क्या आएगा मुरली, वो आज ही आ गया। तो इससे जास्ती गर्म हलवा कौन खाते हैं, ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा गर्म हलवा तो कोई नहीं, मतलब जो शिव बाबा जिनके तन में बोलने जा रहा है उसको पहले ब्रह्मा बाबा सुन लेते हैं। तो ब्रह्मा ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठा है, झट सुनते हैं और धारण भी कर लेते हैं ब्रह्मा बाबा, फिर वही इसीलिए ये ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। सूक्ष्मतन में बैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार होता है, सूक्ष्मतन में भी और बैकुंठ में भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है। यहाँ भी उनको देखते हैं, उनको देखते इन आँखों से, यहाँ भी आखिर स्थूल आँखों से देख रहे हैं ना, संपूर्ण ब्रह्मा को देख रहे हैं। तो बाप पढ़ाते तो सबको एक जैसा है, बाकी है याद की मेहनत, इसी में नंबर वार है, कोई देवभान में याद किया और कोई आत्मिक स्थिति में। तो याद में रहना, जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी डिफिकल्ट लगता है, ब्रह्मा बाप को भी याद करने में डिफिकल्ट लगता है। इसमें कोई कृपा की बात नहीं कि शिव बाबा उनके तन में आया तो उनको बहुत अच्छे से याद हो जाता है शिव बाबा, नहीं। बाप कहते हमने लोन लिया है उसका हिसाब किताब दे देंगे, वो लोन लिया है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा करा तो दे देंगे, लेकिन याद तो उनको करना पड़ेगा ना अपना पाप, इसीलिए कितना विघ्न आया, ब्रह्मा के लिए विघ्न आया, शिव बाबा के लिए विघ्न नहीं आया। तो बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको करना ही पड़ेगा। ये देखिए कि बाबा ब्रह्मा बाबा को छोड़ा, कहीं छोड़ा, खांसी के लिए बोलता था बाबा ठीक कर दो, तो क्या बोलता था तुम्हारा पाप है तुम भोगो, हम क्यों करने जाए। तो सोचिए ब्रह्मा बाबा को भी कोई तरह का ये, हाँ सहयोग कब दिया बाबा, जब दाल रोटी मिल रहा था, दाल नहीं था तो ब्रह्मा बाबा अपने लिए नहीं मांगने गया, किसके लिए, बच्चों के लिए बोलने गया कि बाबा क्या दाल रोटी भी बच्चों को नहीं मिलेगा, अपने लिए शिकायत कभी आज तक नहीं किया। ये सीखने की बात है, हम अपने लिए कभी शिकायत ना करें बाबा ये ठीक करो वो ठीक करो, बाबा इन आत्माओं का ठीक करो, उसके जरिए अपना भी कल। अब ये पूरा ट्रक भर के दाल आ गया तो क्या ब्रह्मा बाबा को दाल नहीं मिलेगा, तो ये सोचने की बात है, हम जितना दूसरों के लिए सोचेंगे हमारा उसमें कल्याण है।
समझता भी हूँ, बाजू में बैठा हूँ, बाप को हम याद करते हैं, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, सबसे जास्ती मेहनत इन्हीं को करनी पड़ती है याद करने की, क्योंकि बाबा बैठा रहता है ना बगल में। तो युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली ना, क्योंकि वो महावीर था। कितना एक जड़ी बूटी लाने जा रहे थे हनुमान जी, तो रास्ते में कितना विघ्न आया, छोड़ा बहुत सारा विघ्न आया, लेकिन कहीं युद्ध नहीं किए वो, माता कह के तो कहीं स्वीकार करके पार करते गए राम राम करके। हम लोगों को भी युद्ध नहीं करना है। तो जो जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेगी। अगर ज़्यादा परीक्षा आ रहा है तो समझ ले हम महावीर आत्मा हैं, इसलिए परीक्षा आ रही है। तूफान जास्ती आते हैं, बच्चे लिखते बाबा हमको यह होता है यह होता है, बाबा कहते यह तो सब कुछ होगा, इसमें हम क्या करें। बाबा वो समझाते, खबरदार तुम रहो, देवभान में तुम आ जाते हो, आत्मिक स्थिति में रहो। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है, कोई कोई देह अभिमानी होती है तो बाबा को बतलाते भी नहीं जो आ रहा है, पार झेलते रहते हैं, बाबा को बतलाते नहीं, अरे कुछ नहीं होता, बाबा को बतलाने से भी क्या, बाबा को फिर भी बतलाना, बाबा बोलता हम कुछ नहीं करेंगे, फिर भी बाबा को बतलाना है। अभी तुम अभी बहुत अकलमंद बनते हो, अकलमंद बनते हैं, बाबा से कैसे सब कुछ लेना है। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलता है, आत्मा कितना चमत्कारी है ना, विकारों को भी खुद ही लाती है और विकारों को भगाती भी खुद है। पहले तो गरीब भी उठाती है, बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है ना, बाकी तो वो लोग देरी से आते हैं, मतलब जो साहूकार लोग है वो लोग देरी से सुनेंगे। तुम समझती हो कि जब तक भाई बहन नहीं बने तो भाई भाई कैसे बनेंगे, मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान नहीं मिलेगा तो आत्मा आत्मा भाई भाई कैसे समझेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ही ठहरे ना, फिर बाप समझाते हैं कि अब भाई भाई समझो। किसको समझाएंगे, जो ब्रह्मा की संतान बनकर ज्ञान सुन रहे हैं। तो यह तो पिछाड़ी का संबंध, फिर ऊपर भी भाइयों को से जाकर मिलेंगे, फिर सत्युग में नया संबंध शुरू हो जाएगा, फिर उस समय नया नया संबंध में आने लगेंगे। वहाँ पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं, वहाँ इतना संबंध नहीं होता है। अब देखिए वहाँ तो एक बेटा एक बेटी होगा, अब साला होगा, साला तो नहीं होगा। बाबा कहते वहाँ कोई भी ये सब संबंध नहीं होता है, संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते भाई बहन भी नहीं, तुम्हें भाई भाई समझना है, नाम रूप से निकल जाना है। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं, भाइयों को यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो सारे भाई बहन है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने तो खुद ही एक बच्चा, वो कैसे पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाता है, तो वह कैसे भाई भाई बनाएगा, वो तो खुद एक बच्चा है। गीता में ये बातें नहीं लिखी हुई है कि आत्मा रूप में हमें भाई भाई समझना है, यह बिल्कुल न्यारा ज्ञान है। ड्रामा में सब नूंधा हुआ, एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड। बोलते हैं ना रोज रोज वही काम करना है, रोज रोज वही काम नहीं करते हैं, एक सेकंड आगे पीछे होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है। कितने मास कितने घंटे कितने दिन पास होते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सकेंगे, इतनी धारणा करेंगे नहीं, बाहरी धारणा कर लिए, अंदरूनी धारणा नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म धारणा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो बाप कहते हैं यह बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना। बाप कहते मैं आता हूँ ही तब हूँ जबकि संगम युग होता है, बीच में बाबा कभी नहीं आता, बीच में आएगा तो आधी आत्मा मानेगी आधी आत्मा नहीं मानेगी। तो तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो जब इनका राज्य था तब ऐसा कोई धर्म नहीं था, अभी जितना धर्म है, जब देवी देवताओं का राज होगा तो और कोई धर्म नहीं होगा। अभी तो इन्हों का राज है नहीं, देवी देवताओं का राज्य तो है नहीं, इसलिए झुक झुक मर मर कर कर बोलता है बाबा कि अभी राज्य नहीं है बच्चे, अभी राज्य नहीं करना कि मैं देवी देवता हूँ, मेरा स्थान बहुत ऊँचा है, नहीं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे। अब पिछाड़ी का समय आ रहा है, वापस घर चलना है, इसीलिए अपनी बुद्धि में नाम रूप से निकाल देना है। नाम रूप यानी कि बाल बच्चे सगे संबंधी वस्तु वैभव सबसे बुद्धि योग निकाल दो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। इनका ये हो जाए वो हो जाए कुछ नहीं, सब साक्षी दृष्टा हो जाना है। हर एक की अवस्था और योग में दिन रात का फर्क है, इसीलिए अलग अलग होकर बैठना चाहिए, सट कर नहीं बैठना है। अंग से अंग ना लग जाए, किसी के अंग से अंग नहीं सटना चाहिए। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कम कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनो। मेरी कमजोरी क्या है उसको समर्पण करे, बाप उसको ठीक कर देगा। तो बाप दादा देखते अभी तक पांच ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। मेजोरिटी मतलब लगभग सभी आत्माओं के अंदर पांच विकार अभी भी हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण और विशेषताओं का अभिमान हो जाता है, तो हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को सभी जानते हैं। कमजोरी सभी जानते हैं कि नहीं, ये तो नहीं कि बाबा को बताना पड़ेगा, नहीं। तो उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना है, यही प्यार का सबूत है। कुर्बान कर दो कमजोरी, किसी से दिल लग रहा है, किसी में आसक्ति पैदा हो रहा, कुर्बान कर दो। नहीं बाबा, न देह न देहधारी न वस्तु वैभव न धन दौलत, सब कुर्बान कर दे, एकदम खाली, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ स्थूल रूप से कुछ चाहेंगे कि ये हो जाए वो हो जाए, बाबा को ही आह्वान करेंगे हर बात में। तो स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्योछावर कर देती। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा, तो क्या किस आधार के पीछे भागे? तो बाबा आप ही के पीछे हम भागेंगे, आप ही मेरे सब कुछ हो। उनसे झगड़ा करे, उनसे प्यार करे, उनसे रूह रिहान करे, जो करेंगे तुम्ही से करेंगे। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहकर सभी को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। तो माननीय आत्मा कौन बनेगी? जो सबको सम्मान देगी, ना कि हम सम्मान लेने वाले बने, सम्मान देने वाले पहले बने, तब हम सम्मान लेने वाले बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।